बाराबंकी जनपद के आवास विकास के हनुमान मंदिर में आशीष सिंह आयरन को देखकर हम चौंक गए कि भाई साहब कहीं नेतागिरी छोड़ करके हवन कीर्तन तो नहीं करने लगे। पर ऐसा कुछ नहीं, हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया भाई साहब आशीष सिंह आर्यन नाम है, इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। हम तो हनुमान मंदिर पहुँचे थे अपने मुखिया की प्रार्थना करने के लिए, जो कि कोरोना पॉजिटिव हो गए। अब नाम और साथ ही इन तस्वीरों से आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि हम मुलायम सिंह यादव जी की बात कर रहे हैं। अब इस दौरान आशीष सिंह आर्यन क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। मेरा नाम आशीष सिंह आर्यन है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ समाजवादी योजना सभा बाराबंकी का। ये हमारे सभी लोग हैं, योजना सभा की पूरी टीम है, सभी पार्टी के पदाधिकारी योजना सभा के हैं, सभी सक्रिय सदस्य हैं। आज कल हमारे माननीय नेताजी जो पूरे देश और प्रदेश के नेता हैं, नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस जी के बाद अगर किसी को नेताजी के नाम से जाना जाता है वो हमारे आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं। कल उनको हल्के लक्षण रिपोर्ट आने पर हल्के लक्षण उनके दिखाई दिए हैं, वो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है। लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी उनके संपर्क में है, लगातार का हम लोगों तक खबर आ रही है, नेताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, लेकिन हल्का सा लक्षण दिखा इस वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। डॉक्टरों की निगरानी पर उनकी सारा इलाज हो रहा है। आज हम बाराबंकी आवास विकास में हनुमान मंदिर स्थित उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए, कोरोना महामारी जैसे विश्व कल्याण के लिए जल्द से जल्द इस महामारी को खत्म करने के लिए, नेताजी को जल्द स्वस्थ करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर हवन पूजन विधिवत करके उनके दीर्घायु की, उनके जल्द स्वस्थ होने की मंगलमय कामना की हम लोग। अब समाजवादी पार्टी में आशीष सिंह आर्यन जैसे होनहार कार्यकर्ता होंगे तो भाई साहब सपा के मुखिया कैसे ठीक नहीं होंगे। कोरोना भी देख करके भाग जाएगा कि बेचारे आशीष सिंह आर्यन रो पड़े। फिलहाल ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा था और हमें उम्मीद है कि सपा के मुखिया मुलायम सिंह यादव जी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिलहाल बाराबंकी जनपद से उत्तर प्रदेश के लिए सत्येंद्र कुमार यादव के साथ विकास कुमार यादव की रिपोर्ट। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा।